लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज कम्युनिकेशन, प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कम्युनिकेशन को 4 बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एंड थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, एंड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। ठीक है, इन सबके पार्ट्स में हैं, डिफरेंट पार्ट्स। रिलेशनशिप के बेसिस पर कम्युनिकेशन को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। और डायरेक्शन के बेसिस पर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन क्लासिफाई किया गया है। चैनल के बेसिस पर वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड पर्पस और स्टाइल के बेसिस पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इन सब को अब हम एक एक करके डिटेल में शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करें। फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। फर्स्ट है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन विच अक्कर इंडिविजुअली। ठीक है, मीन ऐसा कम्युनिकेशन जो कि इंडिविजुअली अक्कर हो रहा, इंडिविजुअली मीन्स सिंगली, ठीक है, सिर्फ एक लोगों में। तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल है थिंकिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ को थिंक कर रहे हैं, तो वो हमारा कैसा होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग, किसी चीज़ का डिसीजन बना रहे हैं लेकिन इंडिविजुअली, ठीक है, यहाँ पे वर्ड रखिएगा याद, इंडिविजुअली कोई चीज़ अकेले कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरे नाम से भी जानते हैं इसे हम लोग, डियाडिक कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डियाडिक कम्युनिकेशन अक्सर एग्जाम में डियाडिक कम्युनिकेशन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अ कम्युनिकेशन विच अकर फेस टू फेस बिटवीन टू पर्सन, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि फेस टू फेस, ठीक है, आमने सामने हो रहा हो, उसे हम लोग कहेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन वहाँ पे पर्सन कितने होंगे, सिर्फ दो लोग, ठीक है, दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। याद रखना है, इंट्रापर्सनल में इंडिविजुअली मतलब सिंगल एक लोग में, इंटरपर्सनल में दो लोगों में। थर्ड टाइप है ग्रुप कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन टू पीपल, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि दो लोगों के ज़्यादा, ठीक है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, सोसाइटी। ठीक है, फैमिली मेंबर के बीच में कितने लोग होते हैं, 10-20 जो भी लोग हों फैमिली मेंबर में, 5-6, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। स्कूल में टीचर आता है, पढ़ाता है, 10-20-50 बच्चे जो भी होते हैं, तो उनमें जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन में। फ्रेंड्स के बीच हम लोग जो बात करते हैं तो वो कैसा होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन। फोर्थ टाइप है मास कम्युनिकेशन, दूसरे नाम से भी जानते हैं मेडिएटेड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो इसका नाम मेडिएटेड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो मीडिया का इन्वॉल्वमेंट रहता है, मीडिया मतलब टेलीविज़न, रेडियो, यूट्यूब, ठीक है, ईमेल्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, तो ये सब मीडिया है, सोशल मीडिया, तो यहाँ पर इस मीडिया का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए हम लोग इसको मेडिएटेड कम्युनिकेशन कहते हैं। आपको टर्म याद रखना है, मास इज़ ऑल्सो नोन एज मेडिएटेड कम्युनिकेशन। अ कम्युनिकेशन विच अकर इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मीन्स मास ऑडियंस, जो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो उसे हम लोग कहेंगे मास कम्युनिकेशन या मेडिएटेड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल है बेस्ट एग्जाम्पल टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न में क्या होता है, हज़ारों करोड़ों लाखों लोग देख रहे होते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये मास कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मास ऑडियंस होती है। रेडियो को भी बहुत लोग सुनते रहते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर यूट्यूब को करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, कैसा कम्युनिकेशन हो गया हमारा, ये मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टाइप कम्युनिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेसिस पर कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज वर्बल एंड सेकेंड इज नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन इन विच देयर इज अ यूज ऑफ ऑडिटरी लैंग्वेज, ये टर्म याद रखना है आपको, ऑडिटरी लैंग्वेज, टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन विद अदर पीपल, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर
जो ऑडिटरी लैंग्वेज मीन्स ऑडियो लैंग्वेज का यूज़ हो रहा हो, ऑडियो यूज़ की जाती हो कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा? वर्बल कम्युनिकेशन। यही सबसे मेन डिफरेंस है नॉन वर्बल में और वर्बल में। जो वर्ड वर्बल है ना, ये वाइब्रेशन से लिया गया है, तो वाइब्रेशंस ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर थोड़ी सी भी वाइब्रेशन हो वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल ओरली स्पीकिंग, कोई चीज़ हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोल रहे हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। साउंड्स, कोई साउंड डीजे बज रहा है तो वहाँ कैसा कम्युनिकेशन हो गया? वर्बल कम्युनिकेशन। वीडियो कॉल्स, देखो वीडियो में वीडियो भी आ रहा है और ऑडियो भी आ रही है, तो ये कैसा कम्युनिकेशन हो गया? वर्बल। अगर सिर्फ वीडियो है, ऑडियो बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। लेकिन अगर जहाँ पर हल्की सी भी वाइब्रेशन आ जाए, ऑडिटरी आ जाए, ठीक, ऑडिटरी लैंग्वेज, तो वो कैसा हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। देन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन विच अकर थ्रू विजुअल क्यूज, ऐसा कम्युनिकेशन जो कि विजुअली, जिसको हम लोग फिजिकली आई से देख सकते हैं, वो कम्युनिकेशन हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल फेशियल एक्सप्रेशन, क्या होता है, हम लोग अपने फेशियल से, जैसे हम लोग को गुस्सा है तो ऐसा एक्सप्रेशन बना देंगे, ठीक है, तो खुशी में फेशियल एक्सप्रेशन दूसरा होता है, तो फेशियल एक्सप्रेशन से जो कम्युनिकेशन हो जाए उसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो का यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस यही है मेन, जहाँ पर ऑडियो का यूज़ ना हो वो नॉन वर्बल, और जहाँ पर ऑडियो का यूज़ हो वो वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी मूवमेंट, ठीक है, कोई बॉडी पार्ट से हम लोग बता रहे हैं कि अच्छा ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो वह कैसा कम्युनिकेशन होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि राइटिंग वर्बल है कि राइटिंग नॉन वर्बल है, तो समझिए अगर राइटिंग सिर्फ टेक्स्ट है तो वो नॉन वर्बल होगा, लेकिन अगर टेक्स्ट के साथ ऑडियो भी जा रहा है तो वर्बल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे सिर्फ टेक्स्ट कर रहे हैं तो नॉन वर्बल होगा, अगर उसके साथ कोई ऑडियो भी जा रही है तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, नहीं वर्बल कम्युनिकेशन, अगर ऑडियो जा रही है तो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टीवी में हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, अगर म्यूज़िक में अगर लिरिक्स भी दिखाई देती हैं तो वो कैसा हो जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। एनीथिंग दैट कम्युनिकेट विदाउट स्पीक, कोई भी चीज़ अगर बिना स्पीक, बिना ऑडियो के हम लोग कुछ कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल, पर्पज और स्टाइल के बेसिस पर टू टाइप्स क्लासीफाई किया गया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच देयर इज अ इंटर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डन थ्रू प्री डिफाइंड चैनल्स, ठीक है, ये याद रखना क्या है, प्री डिफाइंड चैनल्स, ठीक है। ऐसा कम्युनिकेशन ये कैसा है? वर्बल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कैसा है? वर्बल कम्युनिकेशन है, जहाँ पर जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है? थ्रू, किस फॉर्म में नहीं, थ्रू हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? प्री डिफाइंड चैनल्स, ठीक है। प्री डिफाइंड चैनल्स का कहने का मतलब है एक रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके, मींस या तो जो इन्फॉर्मेशन है टॉप से बॉटम जाएगी या बॉटम से टॉप जाएगी। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल से समझिए, एक फैक्ट्री है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग होंगे जो हाई पोस्ट पर होंगे, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का जो बॉस होगा वो हाई पोस्ट पर होगा, उसके नीचे जो होगा क्या होगा? मैनेजर होगा, सबसे ऊपर बॉस, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे वर्कर, ठीक है। तो वर्कर को कोई बात करनी है तो डायरेक्ट मैनेजर, क्या नाम है, बॉस से तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो वो पहले क्या जाएगा, अपना कोई भी, मान लो उसको एप्लीकेशन देना छुट्टी के लिए, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन किसको देगा? मिडिल, मतलब यहाँ पे मैनेजर समझ लीजिए, ठीक है, या उसका सुपरवाइज़र जो होगा उसको देगा, वो फिर बॉस तक पहुँचाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो वर्क हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ के हो रहा है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं कि हम जो वर्कर है वो डायरेक्ट, क्या नाम है, जो टॉप पे है, टॉप मतलब उसका जो बॉस, उसको कोई चीज़ उससे बात नहीं कर सकता, तो एक सिक्वेंस फॉलो हो रहा है टॉप से बॉटम, ठीक है, या बॉटम से टॉप, तो ऐसा कम्युनिकेशन हमें फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका दूसरा नाम है ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिस में क्या होता है, जो वर्कर होते हैं वो अपने मैनेजर से कहते हैं, मैनेजर बॉस से कहता कोई चीज़, तो ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है या तो वो टॉप से बॉटम हो रही हो या बॉटम से टॉप, तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट टाइप है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन विच डज नॉट फॉलो प्री डिफाइंड चैनल्स
द कम्युनिकेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा कम्युनिकेशन वर्बल तो है लेकिन यहाँ पर कोई प्री डिफाइंड चैनल नहीं है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, कोई मैनेजर हमारा वर्कर से बात कर सकता है या वर्कर सीईओ से बात कर सकता है, बॉस से बात कर सकता है, मतलब कोई यहाँ रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल छुट्टी लेनी है किसी फैक्ट्री के वर्कर को तो वो डायरेक्ट बॉस से कह सकता है, ठीक है, या बॉस को कोई शिकायत है तो वो डायरेक्ट वर्कर से कह सकता है, वहाँ मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूरत होगी भी या नहीं भी हो सकती है। तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा कैसा होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप वाइन, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, याद रखना। ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देन एग्जाम्पल है अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इन अ कंपनी वेदर होल्डिंग सेम पोजिशन और नॉट, ठीक है, एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सेम पोजीशन पे हैं, मतलब उनका जो लेवल है काम करने का, कोई ऊंची पोस्ट पर है, कोई नीची पोस्ट पर है, कोई किसी से बात कर सकता है, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फोर्थ टाइप कम्युनिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पर। तो दो प्रकार की होती है, एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन अ कम्युनिकेशन विच फ्लोज सिस्टमेटिकली बिटवीन सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट, ठीक, ऐसे कम्युनिकेशन जो कि एक सिस्टम से फ्लो कर रही हो, ठीक है, मीन्स अप डाउन, अप से डाउन, मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल, मीन्स उसका जो हाई पोस्ट पे है जो सुपरवाइजर है वो किसको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, सबऑर्डिनेट को, जो बॉस है वो किसको करेगा, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर किसको करेगा, सबऑर्डिनेट को, मतलब उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वर्कर्स जो हैं। ऐसी कम्युनिकेशन जो कि एक सिस्टम से फ्लो कर रही हो, मींस जो कम्युनिकेशन फॉर्मल टाइप हो, ठीक है, सीढ़ी दर सीढ़ी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे हम लोग कहेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। डाउन से अप भी हो सकती है, ठीक है, उल्टा भी हो सकती है, मींस जो सबऑर्डिनेट होगा वो सुपरवाइजर से करेगा या सुपरवाइजर फिर बॉस से। समझिए कि जो वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन ही होती है। देन सेकेंड है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज वेन इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन पर्सन होल्डिंग द सेम पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसी कम्युनिकेशन जो कि उन लोगों के बीच हो रही है जो कि एक सेम पोजिशन पर हो, ठीक है, उनका जो पोजिशन है जहाँ पर वो काम करते हैं वो सेम हो रही हो, सेम है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी वो कैसी होगी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री में वर्कर्स हैं तो जो कम्युनिकेशन सभी वर्कर्स के बीच में होगी वो कम्युनिकेशन हमारी कैसी होगी, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। अगर वर्कर्स सुपरवाइजर को बता रहे हैं, सुपरवाइजर अगर हमारा बॉस को बता रहा है तो वो कम्युनिकेशन कैसी कहलाएगी, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, समझ में आ गया। अब है कम्युनिकेशन इज मोर ऑफन इनफॉर्मल इन नेचर, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर क्या है, इनफॉर्मल, ठीक है, वर्टिकल कैसी है, फॉर्मल है, हॉरिजेंटल कैसी है, इनफॉर्मल है।